नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है CGPSC मेंस एग्ज़ाम 2019 संबंध में डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और यह रायपुर दिनांक 25 जनवरी 2021 को जारी कर दिया गया है। तो यह दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का दोस्तों यानी कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम जो संशोधित परीक्षा परिणाम 28/12/2020 को जारी किया गया था, जिसमें 36/17 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया था, 3617, जिसमें फिर उसके पश्चात दोस्तों 3/11/2020 के परिपालन में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के विस्तारित परीक्षा परिणाम जारी करते हुए मुख्य परीक्षा में पूर्व से चिन्हांकित 3617 अभ्यर्थी के अतिरिक्त 187 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया। इसी के तहत दोस्तों अब जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27/1/2021 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट में उपलब्ध है, लेकिन दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 15, 16, 17 एवं 18/3/2021 को अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर रायपुर में इसका परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, जिसमें परीक्षा रहेगा 15 से 18 तक चलेगा, जिसमें 15/3/2021 को है पेपर वन लैंग्वेज और उसी ही टाइम 2 से 5 बजे तक है एसे का पेपर निबंध, फिर 16/3/2021 को है 9 से 12 पर पेपर नंबर 3 जनरल स्टडी 1 और 2 से 5 है जनरल स्टडी 2। इसी प्रकार से 17/3/2021 को है 9 से 12 पेपर नंबर 5 जनरल स्टडी 3 और 2 से 5 रहेगा जनरल स्टडी 4। इसी प्रकार से 18/3/2021 को है 9 से 12 बजे तक इसमें है पेपर नंबर 7 जनरल स्टडी 5। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से उपयुक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र आपके एडमिट कार्ड 5/3/2021 को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी psc.cg.go.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह दोस्तों आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड 5/3/2021 मतलब 5 मार्च से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों CGPSC मेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।